गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई कल्पना कुमारी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद टुडेज हेडलाइन। आई वेलकम टू ऑल यू विद जेके न्यूज ब्रेक विद टॉप 10 हेडलाइंस। लुक एट द टॉप 10 हेडलाइंस टुडे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हर साल की तरह आज भी रजौरी में मनाया गया भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी। आज 45वीं एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी पर जिला प्रशासन और स्कूल के बच्चों ने मिलकर भीमराव अंबेडकर जी को दी श्रद्धांजलि। कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो सेलिब्रेशंस हैं 70 साल पूरे होने में, और इसमें 65वां आज डेथ एनिवर्सरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था। इसके अंदर यहाँ शमूलियत की, सब यहाँ के मौजूद शहरी थे, स्कूल के बच्चे और तमाम ऑफिसर्स थे, और डॉक्टर साहब को खराज अकीदत यहाँ से दिया गया, ट्रिब्यूट दिया गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रोशनी डाली गई। डॉक्टर साहब का मैसेज सोशल जस्टिस के लिए, इक्वलिटी के लिए, ब्रदरहुड के लिए यहाँ बताया गया। मेरी सब लोगों से यही अपील है कि डॉक्टर साहब के सपने के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना है कि यहाँ प्रॉस्परस एक सोसाइटी बने जिसमें सब लोगों को बराबरी का हक मिले और डिग्निफाइड लाइफ हो, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम लोग चलें और इस देश के तरक्की के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। सर, काफ़ी अर्सा से मांग रही है यहाँ पे एक पार्क बनाने की उनकी, और काफ़ी अर्सा से जगह भी डिसाइड की, मगर आज तक वो काम कम्प्लीट नहीं। आपने पार्क की बात की थी, आपने देखा शुरुआत यहाँ हुई है, और ये पहले स्टक था किसी वजह से, अब आपका काम शुरू हो गया है। ये मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने के अंदर से हम कम्प्लीट कर देंगे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में एक एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों की तरफ से एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की उनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था। उनकी जो जीवनी है उनको बच्चों के बीच, आम लोगों के बीच बड़े अच्छे विस्तार से बड़े बड़े अच्छे वक्ताओं ने बोला। मैं कहूँगा कि हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है, हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक रास्ता हमें दिखाया कि कैसे मुसीबत में ज़िंदगी जी जाती है, कैसे बुरे हालात में ज़िंदगी को निखारा जाता है, अपने आप को निखारा जाता है, वो हम सब लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शन करते हैं। हम सब लोगों के एक हीरो हैं, हम सब लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं सब लोगों से यही निवेदन करूँगा कि जो भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, हम सब लोग जो है उस पर चलें, ताकि ये देश जो है और ये दुनिया जो है एक खुशहाल हो सके। जय हिंद, जय भारत। समय समय पर सरकार द्वारा सिटीज को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें से एक है जम्मू का सेल्फी पॉइंट। जम्मू का सेल्फी पॉइंट कुछ शरारती तत्वों द्वारा खराब कर दिया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही रोल रहता है एक सिटी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, वहीं पर कुछ शरारती तत्वों ने किया इसका उल्लंघन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिल्कुल सर, पुलिस के पास शायद इसकी फुटेज भी है, तो पुलिस पर बात करें तो उनके द्वारा यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है, क्या कहना चाहेंगे सामने देखिए। सर, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जिसको कि हमने टेकअप किया हुआ है, वे आर द कॉन्ट्रैक्टर। केसी चौक से डोगरा चौक तक का ये 2 किलोमीटर का दोनों एंड का स्ट्रेच है जिसको कि हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी हैंगिंग केबल सारी अंडरग्राउंड जाएंगी, फुटपाथ डेवलप होगा। उसी इनिशिएटिव में स्मार्ट सिटी वालों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाए जिससे कि लोग आके अपने फ़ोटोज़ ले सकें और इन्जॉय कर सकें। ये 2 महीने पहले ही सेटअप किया है, मगर परसों रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने आके अपनी पहली सेल्फी ली और उसके बाद इसको लातों से तोड़ा हुआ है, जिसके कि फुटेज हमारे CCTV कैमरे में कैद हो चुके हुए हैं। और 11:30 बजे की बात है, ऐसा तो है नहीं कि मिडनाइट में, और इस तरीके से सब चीज़ें टूटेंगी तो ये जितना स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, पता नहीं ये किस तरीके से इसको मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा MS स्टेडियम के सामने जो वाटर कर्टन्स बना रहे हैं वो भी हम लोग बना रहे हैं, अभी एक रनिंग हुआ है, 3 बन रहे हैं। बनते बनते ही उसमें आए दिन केबल चोरी होती है, नोजल्स जो हैं फाउंटेंस के वो चोरी हो रहे हैं। पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, पुलिस को तो हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज़ वालों ने भी, स्मार्ट सिटी वालों ने कंप्लेंट करी है। एटलीस्ट पुलिस वालों ने उनको जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जबकि ये प्राइम लोकेशन है, जिप्सीज भी घूमती रहती हैं, पेट्रोलिंग भी होता रहता है, तो पकड़ में क्यों नहीं आते असामाजिक तत्व। कोरोना ब्रेकिंग।
एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटीन बिकम मैंडेटरी इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर ट्रैवलर have make it mandatory to make their corona test in Jammu and Kashmir while entering to Jammu and Kashmir. सुरेंद्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश जिनकी उम्र 45 वर्ष है जो कि निवासी ख्याल के रहने वाले हैं जो कि बिजली कार्यालय के आयोग में काम करते समय बिजली के करंट का शिकार हुए और बुरी तरह से घायल हुए मौके पर ही उनके साथियों ने उन्हें जिला अस्पताल रामनगर में पहुंचाया और वहीं पर बताया जा रहा है कि उन्हें जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। फोरमैन एसटीडी चांदवर इधर बंदे 60 बजे इधर नाम सुरेंद्र कुमार है दिल्ली भेजा है काम करा था अर्थी करा था पुल पर चढ़िया तो तार जी अर्थी तार थी दूसरी साइड बजी एह कहना फ्लैश बजी उस बंद कट्ठे करिए तुरी है पौड़ी लाई है अस्पताल आए क्या वो लाइन बंद ही है चला दी वो लाइन बंद ही लेकिन दूसरी लाइन चला दी है उधर के नजारे बजी कश्मीर जिसे कि पैराडाइज ऑन हेवन कहा जाता है स्वर्ग जन्नत कहा जाता है गुलमर्ग और सोनमर्ग जो हैं वो अब बर्फ से ढके हुए दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल रही है हमारे यहाँ सोनमर्ग और गुलमर्ग की ये कुछ चंद तस्वीरें आइए देखते हैं ये रिपोर्ट Locals of Thana Mandi urge upon the LG of J&K to restore the traffic movement on prestigious Mughal Road. They assembled at Thana Mandi Chowk and demand that snow clearance work may be started as early as possible. Look at the report. पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ अपने मीडिया भाइयों का मैं भी साफ़ी हूँ और मैं इस तब के साथ जुड़ा हूँ और जो हमारे मीडिया भाई थाना मंडी वाले हैं सबसे ज़्यादा हम ही लोगों ने इस आवाज़ को उठाया है मुगल रोड को खोलने के लिए और जहाँ तक मुगल रोड की बात की जाए अगर थोड़ी सारी भी बारिश होती है उसकी वजह से मुगल रोड को बंद किया जाता है हालांकि मुझे इसकी चीज़ की समझ नहीं आती है क्यों बंद किया जाता है करोड़ों रुपये की मशीनरी जो मुगल रोड के ऊपर पड़ी हुई है अगर बर्फबारी होती है मामूली सी होती है तो उसको खोलना चाहिए क्योंकि करोड़ों रुपए की मशीनरी इनके पास पड़ी हुई है और उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं अगर जोजिला टंडल बन सकता है उड़ी टंडल बन सकता है काम शुरू हो सकते हैं तो इस मुगल रोड पे भी टंडल का काम शुरू होना चाहिए क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने इसको अमली जामे में अभी नहीं लाया वर्बली उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस अमली जो उन्होंने बात कही है इस टंडल को जल्द से जल्द खोला जाए और काम शुरू हो जाए इस टंडल के ऊपर और दूसरी बात यह है कि जितने भी मरीज़ हैं चाहे कैंसर पेशेंट है डायलिसिस पेशेंट है रजौरी पूंछ के लोग इसी मुगल रोड को प्रेफरेंस देते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग भी इसी मुगल रोड से जाते हैं अगर कोई भी टूरिस्ट आता है वो सबसे ज़्यादा एक मुगल रोड को यहाँ से जाता है क्योंकि मुगल रोड एक ऐसा प्लेस है इतना ज़बरदस्त है खूबसूरत इलाका है पहाड़ी इलाका है और इसमें काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे टूरिस्ट इंजॉय भी करते हैं और ऐसी मज़ार भी हैं मुगल रोड के ऊपर जिसमें लोग खुशी खुशी जाते भी हैं और अगर एक्चुअली बात की जाए तो इस मुगल रोड में बड़ी परेशानी होती है लोगों को जैसे ही बर्फबारी मामूली सी होती है रोड को बंद किया जाता है मेरी चीफ इंजीनियर साहब से भी गुजारिश है और खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश है कि इस रोड को इमीडिएटली खोला जाए ताकि लोगों को सहूलियात मिल सके काफ़ी लोग ऐसे बीमार हैं जो अब वहाँ फंस चुके हैं कुछ यहाँ पे फंस चुके हैं और दूसरी बात जितना भी ड्राइवर तबका थाना मंडी का है चाहे रजौरी का है सुंदरबनी निशहरा का है जम्मू की गाड़ियाँ जो यहाँ से जाते हैं काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसी रोड पे अपना रोज़गार ये जब 6 महीने ये रोड बंद हो जाती है तो इन ड्राइवर तबकों का जो काम काज है बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना और उसके बाद जो इनकी चाहे इनने लोन लिए गाड़ियों के लिए वो चुकाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतजार करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस रोड को 12 महीने खुला रखा जाए जब तक टंडल बनता है इस रोड को खुला रखा जाए मेरी यही रिक्वेस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत बहुत शुक्रिया भाई मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोगों की हमेशा जो है आवाम की आवाज़ है और आवाम की आवाज़ आप लोग उठाते हैं जहाँ भी कहीं कोई जुल्म हो कोई मुसीबत हो तो उसमें आप पेश रहते हैं जहाँ तक आपने मुझे मुगल रोड के बारे में बताया क्योंकि मुगल रोड जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रास्ता है और अमूमन देखा गया कि जब से ये चली है तब से अमूमन ये रोड बंद रहती है
और मामूली बर्फबारी या मामूली बारिश होगी तो ये रोड बंद हो जाती है और इससे जो है यहाँ की आवाम को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ की आवाम को बड़ी सहूलत थी इससे कि वर्रा यहाँ से जम्मू जाना और 3 दिन लगते थे राजौर श्रीनगर पहुँचते और बड़े मसायब का जो है उनको सामना करना पड़ा था। अगर ये सहूलत हमें मिली थी हम लोगों, क्योंकि मैं तो असल में पोशाना से भी ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि मुगल रोड के साथ में है, वो साथ में छत्तापानी डोह का मैं मेरा वहाँ से भी ताल्लुक़ है और इससे मुगल रोड जो है इसको इस पर जो है गवर्नमेंट को पूरी तवज्जो देनी चाहिए, पूरी तवज्जो ताकि ये बंद ना हो जाए। ये अजीब तमाशा है कि ये इस वक्त इतनी इस पर गाड़ियाँ जाती हैं, इतनी आमद और रफ्त है जिसका जिसकी कोई इंतहा नहीं है और बीच में से बंद करके लोगों को परेशान होना पड़ता है। मेरी मैडम दीदी बीमार थी, मैं खुद से श्रीनगर से 15 दिन के बाद आया हूँ और यहाँ जो सहूलत यहाँ से हमें नज़दीक बीमारों को श्रीनगर पड़ती है वो जम्मू में नहीं पड़ती, जम्मू दूर पड़ता है और यहाँ बड़ा नज़दीक है और यहाँ इलाज मुआवजा भी जो श्रीनगर में है वो अच्छा होता है। सोरा इंस्टीट्यूट में अपील करते हैं हम कि यहाँ जो रोड है वो 12 महीने इसको चलाने का बंदोबस्त किया जाए, यहाँ जो टनल है वो खोला जाए और मामूली बर्फबारी से इसके लिए पूरा इंतजाम रखा जाए मिश्र, ताकि कहीं भी ये रोड बंद ना हो जाए, ताकि हमेशा चलती रहे। Due to COVID-19, a special camp was organized at Tehsil office Surankot to complete the files. Look at the report. Ambedkar Welfare Trust dwara Ambedkar Chowk mein lagaya gaya karyakram ka ayog jisme zila ayukt Indu Kaval mukhya roop mein upasthit rahe. Aaiye dekhte hain ye report. Sir, main Gobind Chalotra, Ambedkar Welfare Trust ka member. आज का जो प्रोग्राम है बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी को इनके परिनिर्वाण दिवस पर इनको श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करने थे, जिसमें ट्रस्ट ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और उसके बाद इसमें हमने हमको परसों बुलाया अपनी टीम को, उन्होंने कहा कि सरकार की भी गाइडलाइन है जिसमें हम भी इसमें उपस्थित होंगे और हमें हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि अम्बेडकर चौक पर आज इसी मैम और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो किया है जो सभी को पता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है जे इस पे बात पे विषय पे बात करेंगे, क्यों जो खासकर बाबा साहब की जो बनाए हुए संविधान पे चलने की बात अगर करेंगे तो जो उन्होंने सिस्टम बनाया उस पर सही अमली जामा नहीं बनाया जा रहा है। आज हमें जब यही डिमांड करेंगे डी सी मैडम जी से आगे, चाहे वो स्कॉलरशिप का इशू है, जो एस सी एस टी लोगों की जो डिमांड्स है, मैडम ने खुद कहा है कि उन लोगों के जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो उनको मिलने चाहिए नहीं मिलते हैं। आज मैडम यही अनाउंस करें कि जो खासकर कैटेगरी लोगों को जो बेनिफिट है वो इधर मैडम सुनाएंगे और मैं यही बात कहूंगा कि जो बाबा साहब ने किया वो तो किया है, हमें क्या करना है जाति तोड़ो पे समाज जोड़ो पे हमें काम करना है और अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट इसी पे काम कर रही है, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा है, चाहे वो गरीब लोगों का मुद्दा है, चाहे वो गरीब लोगों किसी भी किस्म का मुद्दा हम उठाने के लिए तैयार है, चाहे वो एट्रोसिटी की बात होगी हर किस्म के मुद्दे को उठाएंगे। यही बात करते हुए मैं सभी को जय भीम जय भारत करता हूँ। शुक्रिया। पीटीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ऑन धरना एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली। बात बनेगी बोली से, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, मासूमों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। उधमपुर जखेनी चौक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाया गया नाका, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए चलान। इस नाके पर एसएसपी ट्रैफिक पुलिस स्वयं उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑल जेएंडके रिटायर्ड पुलिस एनजीओ द्वारा प्रेस क्लब के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगाई गुहार। आज का जो प्रदर्शन सर, ये हमारा जो पे अनामली का मसला है 1196 से चला आ रहा है और उस वक्त पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया ग्रेड, तो हमें जो ऐसे हेड कांस्टेबल था इनको डिनाई किया गया, तब से लेकर 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन भी एज इट इज़ रखा और हमें उससे वंचित रखा गया। तो हमारा ये मुद्दा है
कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबको हमने गुहार लगाई है और सब ने हमें टाइम किल किया है और लारे बादे और जानसू के अलावा हमें कुछ नहीं दिया गया और दिलासे ही दिए गए और टाइम किल किया गया। अभी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ये देराना मसला है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए क्योंकि हम सीनियर सिटीजन हैं और इस मुल्क की सालमियत, एकता और अखंडता के लिए हमने अपनी जान तक निछावर की है और मुल्क की सेवा की है और आज हम सीनियर सिटीजन सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें भी जेब नहीं देती और गवर्नमेंट को तो जब ब्यूरोक्रेट हैं और पॉलिटिशनों को पता नहीं उनके दिमाग में क्या चीज़ है, वो या तो ये सोचते हैं कि हमने कभी बूढ़ा नहीं होना और कंसिडर नहीं करते और कम से कम उनको ये चाहिए कि पार्टी बेस पर हमारे इस मसले को हल किया जाए और हम गवर्नर साहब से यही दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे इस मसले का निपटारा किया जाए ताकि हमें रात मिले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऑनरेरी कैप्टन हुकुम चंद साहब, फोर ग्रेनेडियर्स। नायब सरदार लखवीर सिंह साहब, फोर ग्रेनेडियर्स। हवलदार दौलत राम साहब, एट ग्रेनेडियर्स। हवलदार सोनल साहब, एट ग्रेनेडियर्स। ऑनरेरी नायब सरदार अमरनाथ साहब, एट ग्रेनेडियर्स। आगे एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया और काम पे काम करने शुरू किए। मेरे पास टाइम है सिर्फ 5 साल, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगले 5 साल और, मेरे को ये देखना है कि लोगों ने मुझे ये 5 साल दिए, इन 5 सालों में मैंने अपने आप को कैसे बेस्ट प्रूफ करना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मतलब ये काम कोई भी बोले कि अगर इम्पॉसिबल तो वो कोई शब्द शायद नहीं है, उसको हम 3 हिस्सों में बांध देते हैं, आई एम पॉसिबल तो सारे काम हो जाते हैं। इसके लिए हमें एक बंदा तो मेरे को सबका साथ गए और मैं उन परेशानियों का हल निकाल करके करती गई और उसके लिए मैं ये नहीं हूँ कि घर बैठ के मैं गई और डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिली, उनको अपनी चाहे वो सड़कों की समस्याएं थी, चाहे वो गलियों की समस्याएं हैं, चाहे इस वार्ड को नंबर 1 बनाने की समस्या है। मैंने आपने वार्ड में बनाई है तो 1 करोड़ की सड़कें बना दी, चाहे नेशनल हाईवे की आप बोलो प्रोटेक्शन वॉल जो काफ़ी 3 सालों से प्रॉब्लम नहीं थी, डीसी मैम के साथ मिलके उसको भी हल करवाया, वार्ड में गेट लगाए, अपने वार्ड को एक पहचान दी, उस एरिया को पहचान दी। अब आजकल के आज भी कहते हैं कि आम के साथ वाली गली या उसके साथ वाली हाउसिंग कॉलोनी को, तो आम के पेड़ के साथ वाली गली क्यों, वहाँ बोर्ड पे लिखा होना चाहिए हाउसिंग कॉलोनी। हर बंदे जैसे हमारी पहचान है वैसे हमारे एरिया की भी पहचान है, तो
अब 3 सालों में अगर मैं गिनती कराऊं तो मुझे लगता है मैंने काम किया है, पर मैं बोलूं कि मैं करना है तो वो हमें काम कंटिन्यूस में करना है। इसके साथ मुझे लगता है और भी टेंडर डाल दिए हैं, कुछ नालों के टेंडर हैं, लोग मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं, फिर मैं बैठ के सोचती हूँ कि इसको क्या है, समस्या को तरीके से निकाला जाता है। लोग इतने समझदार हैं कि बोलने की लिपि दी है वो कचरे वाला डोर टू डोर कलेक्शन वाले आएंगे आपका कचरा ले जाएंगे और आपने एक महीने मैं अश्विनी खजुरिया हूँ, मैं सीनियर कांग्रेस वर्कर लीडर कह लीजिए आप, मैं उधमपुर में हूँ और ये प्रोग्राम आपको पोस्टर और बैनर देख के आपको पता हो लग गया होगा कि ये जो है कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। जो हमारी इस एरिया की पार्षद प्रीति खजुरिया, ये वार्ड नंबर 1, ये उनका एरिया पड़ता है जो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा वार्ड है। तो आज हमने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, आप देख रहे हैं कि रियासत में बहुत जो है उथल पुथल चल रही है, कुछ ऐसी ताकतें जो हैं फिर से दोबारा काबिज होना चाहती हैं जिससे लोगों की परेशानियां शायद आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक विकल्प के तौर पे जो है वो कांग्रेस जमात जो है इस पूरी रियासत में जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में आए। आपने देखा होगा पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पूरी रियासत भर में जो है कश्मीर से लेके अपने रजौरी पुंछ, कठुआ, जम्मू, अभी रामबन पिछले दिनों उन्होंने जो है लोगों को संबोधित किया, लोगों से मिले और लोगों का एक बहुत बड़ा जो है हजूम जो है आज़ाद साहब के पीछे निकला, क्योंकि लोगों की समस्याएं परेशानियां बहुत हैं। लोगों ने महसूस किया है कि जो पिछले जो 10-12 साल से जो राज चल रहा है उसमें उनको सुकून की ज़िंदगी नहीं मिली, लोगों की बेचैनी बढ़ी है, लोग रोज़गार नहीं मिले लोगों को महंगाई से जूझना पड़ रहा है, लोग मोहताज हो चुके हैं, मतलब दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, नौजवानों के पास जो है वो नौकरियाँ नहीं हैं, कारोबार नहीं है, लोग दरबदर हो रहे हैं और उसके भी ऊपर दरारें डाली जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम दरार जो है वो इन पार्टियों में डाली जा रही है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है एक बड़ा विकल्प जो है इस देश में मौजूद है और जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस बड़ा विकल्प जो है निकलना चाहिए। आने वाली जो अब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन भी सर पे हैं, हो सकता है 6 महीने साल भर में या 5-6 महीने में कभी भी इलेक्शन हो जाएंगे, तो हमें उसकी तैयारी जो है रियासत भर में करनी है और हमें अपने उधमपुर में भी करनी है। जैसे आज़ाद साहब ने रियासत भर में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में उधमपुर में भी प्रोग्राम हो, तो उसके लिए हमें लोगों को तैयार करना है और लोग जी जान से जो है लोग चाहते हैं आज़ाद साहब को और चाहते हैं कि आज़ाद साहब इस रियासत की जो है बागडोर दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन के संभालें। तो उसी की कड़ी को हम जोड़ते हैं साथ में कि हम ये वार्ड वार्ड जाकर, गांव गांव जाकर ये मेहनत करेंगे और लोगों को कांग्रेस की तरफ लाएंगे, ताकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पुराने दौर अगर आप याद करें तो जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इस मुल्क को संभाला था, एक वुमेन होकर इस मुल्क को संभाला था और अच्छे तरीके से चलाया था और दुश्मनों के भी जो है छक्के छुड़ाए थे, उसी तरीके से हम दोबारा से कांग्रेस को जो है अपने अपने स्तर पे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो है मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ताकि कांग्रेस का राज दोबारा से आए और लोगों को सुख चैन, लोग अमन से रह सकें। आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, महंगाई इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी, आज आतंकवाद की अगर बात करते हैं तो वो भी जो है उसका भी सर ये पूरी तरह कुचल नहीं पाए हैं। तो मैं आप ये कहते हैं कि उसी कड़ी से जो है हम कोशिश ये करें कि आने वाले दिनों में हम अच्छे तरीके से मजबूत करें कांग्रेस पार्टी को और लोगों से हम अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ चलती है, तो सब जो है बढ़ चढ़ कर जो है इस पार्टी को सपोर्ट करें और हम सब लोगों को सपोर्ट करें ताकि एक अच्छा माहौल इस रियासत में आए। लगाया गया किस तरह का नाका है और क्या जनरल पब्लिक को एक अवेयरनेस है? देखिए, हमारा नेशनल हाईवे पे तो ज़्यादा फोकस रहता है कि यहाँ जो है ट्रैफिक रेगुलेट हो, जाम ना लगे, लोग जो है आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकें। तो जब कभी भी हमें लीन ट्रैफिक मिलती है और हमें मौका लगता है, थोड़े से हम फ्री होते हैं तो हम चलान करते हैं और ये हम स्पेशल ड्राइव्स के थ्रू भी करते हैं, पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑलमोस्ट डेली जो है हम चलानिंग करते हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है जो विजिबल ऑफेंसेस हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मिनी बस में, सूमोज में ओवरलोडिंग होती है, तो आप जैसे देखते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो गाड़ियों में से सवारी जो उनकी आरसी के मुताबिक जो उनको अलाउड होती है उससे ज़्यादा निकलती हैं,
तो इसीलिए हमने सारा फोकस जो है पिछले एक दो महीने से जो है रखा हुआ है कि हम ओवरलोडिंग पे जितना कंट्रोल कर सकें हम कंट्रोल करें। उसके अलावा ओवर स्पीडिंग, मोबाइल का यूज़ जो है एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का, उस पर काफ़ी सख्ती से हम जो है वो कर रहे हैं। उसके अलावा मोटरसाइकिल पे ट्रिपल राइडिंग करते हैं लोग, हेलमेट के बगैर चलते हैं, वो जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो आपको पता ही है कि वो फिर किस किस्म का किसी की जान भी जा सकती है, वो दूसरे को जो पेडेस्ट्रियन है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो लिहाजा ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हम इसमें कंटिन्यूसली जो है वो जितने भी ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बंद करो। पाल की जा रही है और एक तरह की होड़ मची है, जहां जनता नहीं पहुंच सकती वहां पर भी ओपन जिम लगाया गया है। एक आप जी शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई, आज हम यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कार्यालय के अंदर है। हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर कि जो जम्मू के अंदर एक ओपन जिम लगाने की जो होड़ सी मची है, हर गली पर हर चौराहे पे ओपन जिम लगाए जा रहे हैं, 50 जिम लग चुके हैं और 25 और लगाने अभी बाकी हैं, यानी लगातार जिम की होड़ मची हुई है लगाने की। इसके पीछे किसके दिशा निर्देश हैं, किसके इशारे पर ये काम किया जा रहा है और किस मकसद से काम किया जा रहा है? अगर तो इसका मकसद जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जनता को स्वस्थ बनाना है, तो हम पूछना चाहते हैं कि बिना ट्रेनर के बिना देखभाल के ये जिम क्यों लगाए जा रहे हैं? यहाँ कोई ट्रेनर नहीं नियुक्त किया गया, मशीनों की देखभाल के लिए कोई रख रखाव के लिए कोई केयरटेकर नहीं है, तो स्वास्थ्य जितना सेहत के लिए एक्सरसाइज लाभदायक है उतना गलत तरीके से किया गया व्यायाम घातक भी है। तो हमारी मांग है कि जितने भी जिम लगाए जा रहे हैं उस रणनीति पर अभी लगाम लगाई जाए और जो जिम लग चुके हैं वहां पर ट्रेनर नियुक्त किया जाए ताकि जनता इसका भरपूर फायदा उठा सके। बिना ट्रेनर के बिना, देखिए हम स्कूलों की सुनते थे कि शिक्षक नहीं है स्कूल में, हम हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर के अंदर देखते थे कि डॉक्टर नहीं है, और म्यूनसिपल्टी ने जो शुरू किया है जिम का काम, यहाँ पर जिम ट्रेनर ही नहीं है और उसके बिना जनता को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी जो एक और है कि इस समय कोरोना काल फिर से शुरू हो रहा है और वहाँ पर कोरोना SOP की सरेआम इन जिम के अंदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। आज के अंक में केवल इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए अंकों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए JK न्यूज़।